मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में उत्तराखंड के स्थानीय आयुक्त के एकीकृत भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राकेश शर्मा, स्थानीय आयुक्त ओम प्रकाश समेत कई लोग मौजूद रहे। भवन निर्माण और भूमि प्राप्ति की कोशिश राज्य सरकार 2004 से कर रही थी, जिसकी आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगोड़ा ने रखी थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के साथ वो हैं और भूमि अधिग्रहण बिल पर कहा कि भूमि कानून पर अध्यादेश न आना सबकी जीत है। साथ ही बीजेपी पर स्टिंग मामले में FIR दर्ज न करवाने के मामले में कहा कि किशोर उपाध्याय से उन्होंने कहा था कि बीजेपी पर FIR दर्ज न कराएं। प्रदेश को केंद्रीय बजट न मिलने और केंद्रीय योजनाओं पर बजट आवंटन का अनुपात घटाने से विकास कार्यों में आ रहे आर्थिक संकट को देखते हुए आगामी विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट रखने जा रही है। सूबे की संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं का भी बजट अभी तक सरकार को नहीं मिल पाया है। केंद्र की बीजेपी सरकार उत्तराखंड सरकार को पैसे न देकर परेशान कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार आने वाली चुनौती को स्वीकार कर रही है, इसलिए गैरसैंण विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अजय भट्ट ने फर्जी रेस्टोरेंट को बार का लाइसेंस देने पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रानीखेत विधानसभा में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां न होटल का अस्तित्व है और न ही रेस्टोरेंट का, लेकिन फिर भी सरकार उन्हें बार का लाइसेंस दे रही है। यही अजय भट्ट ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी शिकायत भी की है। साथ ही उन्होंने इस गोरख धंधे को के खिलाफ जल्द ही आंदोलन की बात कही है। देहरादून के DAV कॉलेज में हुए छात्र संघ चुनाव के परिणाम आ गए हैं। लगातार नवी बार ABVP ने DAV छात्र संघ चुनाव पर अपना कब्जा जमाया है। ABVP के राकेश नेगी ने NACY के मोहन भंडारी को 39 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमाया। RN ग्रुप ने सत्यम ग्रुप को पराजित कर एक बार फिर महासचिव पद पर अपना कब्जा जमाया। NACY के छात्र नेताओं ने पराजय के बाद मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान कराने की मांग की, जिसे DAV कॉलेज प्रशासन ने नकार दिया। सूबे की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। पिथौरागढ़ दौरे पर आए सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह पटरी पर उतर चुकी हैं। अस्पतालों को PPP मोड पर देने का फैसला गलत साबित हुआ है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह के पहुंचने पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश भी थी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। साथ ही किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं के बारे में बताया, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने CIRC प्रशिक्षण केंद्र हल्दीचौड़ में डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन और कंप्यूटर केंद्र का उद्घाटन किया। इस कंप्यूटर केंद्र से ग्रामीण इलाके में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस केंद्र में 300 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र से कई नए कोर्स जैसे सरकारी योजना, सूचना का अधिकार और प्रमाण पत्रों की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत ग्रामीण इलाकों से होनी चाहिए, तो वहीं प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों ने कहा कि इस तरह की योजनाओं से उन्हें काफी लाभ मिलेगा। हरिद्वार के लालढांग में रवासन नदी पर पुल बनाए जाने की मांग को लेकर चल रहा अनशन अब और ज्यादा तेज हो गया है। ग्रामीण किसी भी हद तक जाकर पुल की मांग पूरी कराने के लिए यहां पर तैयार है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक यतीश्वरानंद के नेतृत्व में जल सत्याग्रह किया। रवासन नदी के बीच में विधायक के साथ कई महिलाएं और युवा धरने पर बैठकर अपनी मांगों के लिए मुखर हो गए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक रवासन नदी पर पुल बनाए जाने को लेकर सरकार लिखित रूप में नहीं देगी, तब तक अनशन और जल सत्याग्रह चलता रहेगा। आपको बता दें कि पुलिस की मांग को लेकर पहले 40 दिन तक धरना प्रदर्शन किया और अब इन लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है। ब्रिटिश काल से प्रस्तावित बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन राष्ट्रीय योजना में शामिल होने के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक धन आवंटित नहीं किया गया है, जिसको लेकर बागेश्वर टनकपुर रेल निर्माण संघर्ष समिति 12 साल से रेल निर्माण के लिए संघर्षरत है। कई बार बागेश्वर और दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन भी हुआ, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। रेल निर्माण संघर्ष समिति ने अपनी मांग को लेकर एक बार फिर बागेश्वर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। केंद्र की मोदी सरकार पर और प्रधानमंत्री पर विश्वास जताते हुए रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग की।
और अब्बास शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर आंदोलन की। शिक्षा जन संघर्ष अभियान के पदाधिकारियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को नजीर मानते हुए शासन आदेश लागू करने की मांग की है, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार से तनख्वाह लेने वाले सभी नेता अधिकारी कर्मचारियों को सरकारी स्कूल में उनके बच्चों को पढ़ाने का फैसला दिया था। इसको लेकर शिक्षा जन संघर्ष अभियान के पदाधिकारियों ने आंदोलनकारी स्थल कलेक्ट्रेट में बैठक की और फैसला लिया कि राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाए कि उत्तराखंड में भी सरकार ऐसी ही व्यवस्था लागू करने के लिए शासन आदेश जारी करे। रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ इस वीकेंड पहाड़ों में सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई। सरोवर नगरी नैनीताल में भी वीकेंड की चहल पहल देखने को मिली। काफी बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचे। नैनीताल के अलावा आसपास के पर्यटन स्थलों में भी सैलानियों की खासी भीड़ देखी गई। वीकेंड में सैलानियों की संख्या बढ़ने से यहाँ जो कारोबारी है छोटे मोटे उनको भी काफी लाभ मिला। 23 जून को पंतनगर में एटीएम लूट के मामले में खुलासा हुआ है। 2 महीने से इस लूट का खुलासा न हो पाने से पुलिस की किरकिरी हो रही थी, लेकिन अब आखिरकार मुखबिर की सूचना पर पंतनगर और एसओजी की टीम ने रुद्रपुर के पहाड़गंज से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी नीलेश आनंद भरणे ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि इनके पास से एटीएम मशीन के टुकड़े और लूट में इस्तेमाल टाटा सुमो बरामद हो गई है। आपको बता दें कि अभी तक लूटी गई राशि बरामद नहीं हो पाई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस टीम पर डीजीपी और डीआईजी के साथ साथ एसएसपी ने भी इनाम की बौछार कर दी है। डीजीपी उत्तराखंड ने 10,000 का इनाम, डीआईजी कुमाऊं ने 5,000 का इनाम और एसएसपी उधम सिंह नगर ने 2,500 के इनाम की घोषणा कर दी है। ऋषिकेश के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में पौड़ी से आ रही बस शिवपुरी के पास गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा एक अनियंत्रित कार को बचाने के चक्कर में हुआ। घायलों में एक विदेशी महिला भी शामिल है। रुड़की नगर निगम में तेली समाज ने छात्रों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में कई स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्रों को सम्मानित किया गया। तेली समाज ने लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लिंगदोह कमेटी के अनुसार छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी 5,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन रुद्रपुर के शहीद भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं।